दोस्तों मिशन मंगल का ट्रेलर 18 जुलाई को रिलीज हो रहा है, वहीं जरूर आप अक्षय कुमार की फिल्म मिशन मंगल का ट्रेलर देखने के लिए एक्साइटेड भी होंगे। जी हां दोस्तों, तो ट्रेलर रिलीज होने से पहले जानिए ट्रेलर की कुछ खास बातें। नंबर 1, फिल्म की स्टोरी। दोस्तों मिशन मंगल फिल्म में मंगल पर अंतरिक्ष यान भेजने की स्टोरी पर बेस्ड कहानी है, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। और फिल्म में आपको देखने के लिए मिलेगा कि आखिरकार मंगल ग्रह पर पहला अंतरिक्ष यान कैसे पहुंचा था। दोस्तों इस फिल्म में ये भी देखने को मिलेगा कि नासा ने पहली बार मंगल पर अपना अंतरिक्ष यान भेजने पे 6,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे, वहीं जब इसरो ने अपना पहला अंतरिक्ष यान भेजा मंगल ग्रह पर तो सिर्फ 450 करोड़ रुपए का खर्च आया। वहीं भारत ने अपने सूझबूझ और दिमाग से 5,500 करोड़ की बचत की। वहीं साथ ही इस फिल्म में 5 महिलाओं की स्टोरी दिखाई जाएगी। वहीं दूसरे नंबर की बात करें तो महिलाओं पर आधारित फिल्म। वहीं दोस्तों इस फिल्म को 5 महिलाओं को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म को पूरा अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। वहीं दोस्तों इन 5 महिलाओं का किरदार निभाते हुए सोनाक्षी सिन्हा, विद्या बालन, तापसी पन्नू और भी 2 एक्ट्रेस दिखेंगी। वहीं ये फिल्म महिला शक्ति पर जोर देते हुए दिखेगी। नंबर 3, अक्षय का स्पेशल किरदार। दोस्तों मिशन मंगल फिल्म में अक्षय कुमार एक इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक के तौर पर दिखेंगे, जिन्होंने मार्स ऑर्बिटल मिशन यानी कि मामा प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। लेकिन दोस्तों इस फिल्म में अक्षय कुमार का किरदार थोड़ा छोटा होगा। नंबर 4, साथ ही दोस्तों फिल्म मिशन मंगल बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है और खुद अक्षय कुमार कहते हुए दिखे थे कि ये फिल्म जो है ये मैं मेरी बेटी के लिए बना रहा हूँ और उसके एज के सारे बच्चों के लिए बना रहा हूँ, जो कि काफी इंस्पिरेशन से भरी होगी। वहीं दोस्तों अक्षय कुमार की साल में एक बार ऐसी फिल्म जरूर आती है जो कि देश से जुड़ी हो या फिर एक सोशल मैसेज देती हो। तो एक बार फिर से देश को देखते हुए अक्षय कुमार ने ये फिल्म कर डाली और ये फिल्म रिलीज हो रही है 15 अगस्त को। तो दोस्तों आप कितने एक्साइटेड हैं फिल्म मिशन मंगल के लिए, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। वहीं और भी बॉलीवुड खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें टॉप ओपन फैक्ट्स, ताकि बॉलीवुड की हर खबर मिले आपको सबसे पहले। धन्यवाद।